नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप फिल्म रिव्यू। 21 नवंबर को Z5 में एक मूवी रिलीज हुई है। मूवी का नाम है टाइगर्स। टाइगर्स के मुख्य पात्र का नाम आयान है, जिसे निभाया है इमरान हाशमी ने। ये किरदार दरअसल सैयद आमिर रजा नाम के रियल लाइफ हीरो पर बेस्ड है। आमिर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सेल्समैन या कहें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। उस बड़ी कंपनी के एक बेबी फॉर्मूले को बच्चों के डॉक्टर्स के सामने पिच करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि माँ के दूध के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के बच्चों के लिए ख़तरनाक है, तो उसने अपनी ही कंपनी यानी जिसमें वो काम करता था उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। ये जानने के लिए कि आयान अपने इस नोबल कॉज में सफल हो पाता है या नहीं और इस दौरान उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आपको ये फिल्म देखनी होगी। जब आप फिल्म के कुछ मिनट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हारा हुआ आयान इस बात में भी शुभ संकेत ढूंढने लगता है कि उस पर एक मुर्गी ने पॉटी कर दी है। वही आयान एक पल नहीं लगाता अपनी नौकरी को लात मारने में, लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानियां कम होती नहीं लगती बल्कि और बढ़ जाती है। पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर भी ये फिल्म भारत के हालात पर एक तंज है, एक कमेंट है, एक सबक है। भारत का मध्यम वर्ग भी पाकिस्तान सरीका ही पश्चिमी सभ्यता को आंख मूंद के फॉलो करता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कितना ही दुख पीड़ा और परेशानियां क्यों ना झेलनी पड़े। फिल्म में एक और बात काबिले गौर है और वो है एक सेल्समैन की दुनिया, जिसको जॉब देते हुए ही बता दिया जाता है कि जॉब तो मिल गई, देखते हैं इसमें बने कब तक रह सकते हो। आयान जॉब में बना भी रहता है और वक्त आने पर उसमें लात भी मारता है, वो अपनी जंग चुनता है। फिल्म में गालिब फैज़ जैसे लेजेंड्स की गज़लें हैं, नज़में हैं, लेकिन उनके आने से फिल्म रुकती नहीं क्योंकि एक लाइन के बाद वो बैकग्राउंड में चलने लगती हैं। फिल्म के निर्देशक डेनिस टेनोविक हैं। डेनिस का एक परिचय ये है कि उनकी फिल्म नो मैंस लैंड ने 2001 में लगान को हराकर फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता था। फिल्म में सभी कलाकारों ने अच्छी एक्टिंग की है। इमरान हाशमी के अलावा आदिल हुसैन, गीतांजलि थापा, सत्यदीप मिश्रा, विनोद नागपाल और सुप्रिया पाठक भी फिल्म में नजर आती हैं। एक वैश्विक प्रोजेक्ट सरीखे इस फिल्म में भी कई विदेशी कलाकार नजर आते हैं और सभी ने अपना काम बखूबी किया है। फिल्म के कला पक्ष की बात इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि दर्शक इसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह ट्रीट करें। इसमें आपको हल्का सा थ्रिलर, हल्का सा ह्यूमर और कुछ बेहतरीन नज़मों का मुखड़ा भी सुनाई देता है, लेकिन ये सब आटे में नमक के मानिंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।